हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जयराम गुजर, डायरेक्टर ऑफ देव पब्लिक स्कूल जाटिया। आज का टाइम बहुत एडवांस टाइम है। आज अनेकों एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जिसने इंसान के जीवन को और इजी वे में काफ़ी बना दिया है। आज अनेकों एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल है, सभी के हाथों में लगभग एंड्रॉयड मोबाइल आज उपस्थित हो चुके हैं, जिसने लोगों की लाइफ को और इजी बना दिया है। जो अपनी दैनिक दिनचर्या के जो काम थे उनमें भी लोगों ने इसको काफ़ी यूज़ लेना शुरू किया है, और जिसने काफ़ी इजी वे में कामों को करने में जो सक्षम है। देव पब्लिक स्कूल हमेशा से ही हर परिस्थितियों में नए आयामों को अपनाने में सक्षम रहा है। तो इस एडवांस टाइम को शाला परिवार ने भी अपनाया और बच्चों के लिए एक एंड्रॉयड ऐप एप्लीकेशन तैयार की है, जिसके माध्यम से वो अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और नई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ उसमें ला सकते हैं, जिससे पेरेंट्स और अब बच्चों दोनों को इसके लिए मदद मिलेगी। अभिभावक भी अपने बच्चे की हर गतिविधि का अध्ययन घर पे रह के इस एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं, जिससे टीचर और अभिभावक दोनों आपस में बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से जुड़ेंगे, जो हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब देव पब्लिक स्कूल की इस नई एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि एक एंड्रॉयड ऐप है, तो आपके अपने एंड्रॉयड फ़ोन में सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च में देव पब्लिक स्कूल टाइप करना है। जी हाँ, आपको पूरा लिखना है इसमें एक बार, देव पब्लिक स्कूल जाटिया। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे लिख के, तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपके सामने किस तरीके से ओपन होगी। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, और ये इंस्टॉल होने के बाद में इसकी वर्किंग शुरू होगी। तो जैसा हम इस एप्लीकेशन को एक बार इंस्टॉल करते हैं, ये एप्लीकेशन जल्दी से मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल करने के बाद में इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आपको यहाँ पर हमारा लोगो दिखाई दे जाएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर चार ऐप अवेलेबल है, चार तरीके की एप्लीकेशन अवेलेबल है, क्योंकि ये एडमिन ऐप, टीचर ऐप, ड्राइवर ऐप और स्टूडेंट ऐप, चारों को अलग अलग एप्लीकेशन ये प्रोवाइड करती हैं चारों की सुविधा के लिए। तो मैं आज आपको स्टूडेंट ऐप के विषय में बता रहा हूँ। तो आपको स्टूडेंट ऐप पे क्लिक करना है और फिर उसे सबमिट करना है। जैसे आप करेंगे इसको, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। आपको पुनः इसमें स्टूडेंट ऐप पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट ऐप पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने इस तरीके का बिल्कुल प्लेन एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे ऊपर जो आपके दिखाई दे रहा है ऐड अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने आया स्टूडेंट नेम। आपके कई अभिभावकों के दो बच्चे, तीन बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप सारे बच्चों का एक ही एप्लीकेशन में डिटेल उनकी ऐड कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट ऐप पे क्लिक करना है, स्टूडेंट नेम पे क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट नेम पे क्लिक करेंगे, हर बच्चे का एक पर्टिकुलर आईडी और एक उसका पासवर्ड है जो आपके पास अवेलेबल है। तो आपको उस बच्चे का आईडी और पासवर्ड इसमें एंटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक सैम्पल के तौर पर आपको एक बच्चे की आईडी पासवर्ड एंटर करके दिखा रहा हूँ। ये उसकी आईडी है 1900157। अब आपको उसका पासवर्ड एंटर करना है। जैसे आप उसका पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही ये इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर आपको स्कूल का नाम मेंशन दिखाई दे रहा है कि देव पब्लिक स्कूल, और ये जो न्यू का सिंबल है और ये जो खाली स्पेस आ रहा है, इसमें किस कोई भी बच्चे का कोई भी नोटिफिकेशन अवेलेबल होगा। जो भी नोटिफिकेशन स्कूल की तरफ से होगा कि पर्टिकुलर इस दिन बच्चे की छुट्टी है, या इस दिन से कोई एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जो भी नोटिफिकेशन कोई सूचना स्कूल आपको प्रोवाइड करती है, तो डेली इसके अंदर आपके पास वो नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा फर्स्ट ऑल। उसके बाद में आप बच्चे की प्रोफाइल इसमें देख सकते हैं। सपोज़ मैंने इस बच्चे की जो किया है, इसकी मैं प्रोफाइल देखता हूँ। तो ये मैंने जैसे उसकी प्रोफाइल ओपन करी है, ये बच्चे की फ़ोटो सहित तो उसका नाम, मैंने हमारे बच्चा है एक ब्रिजेश सैनी, उसकी प्रोफाइल यहाँ खोली है। तो ये ब्रिजेश सैनी, क्लास, क्या क्लास है बच्चे की, क्या रोल नंबर है, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, सब कुछ कम्प्लीट इसमें आपके पास शो कर देगा। सेकेंड ऑल, आप इसमें बच्चे की अटेंडेंस देख सकते हैं। जैसे ही आप इसमें अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, तो बच्चे की डेली की अटेंडेंस आपको मंथ वाइज यहाँ पर वीक वाइज बच्चे की अटेंडेंस इसकी दिखाई दे जाएगी। उसके बाद में आप यहीं पे बच्चे का होमवर्क भी देख सकते हैं कि आज बच्चे को हमारे को क्या होमवर्क मिला है। जो होमवर्क बच्चे को मिला है उसको आप ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जैसे मैंने इसकी डेट वाइज जो भी डेट है उसकी डेट वाइज आप डेट सेलेक्ट करिए, और बच्चे का होमवर्क 3 तारीख का मैंने डेट सेलेक्ट करी और इसका होमवर्क देख लूँ। तो मैथ होमवर्क इसको मिला है, मैथ में इसको क्या होमवर्क मिला है,
कोई फ़ाइल, टीचर ने इसकी फ़ाइल अपलोड करी है, तो वो फ़ाइल आप यहाँ से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करेंगे, तो जो भी टीचर ने होमवर्क दिया है, जिस पेज को टीचर ने अपलोड किया है, वो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके किसी भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चा उसको फिर वहाँ से देख सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी तरीके से होमवर्क की तरीके से। इसमें जो अगला कॉलम बना रखा है क्लास वर्क, बच्चे की क्लास में क्या वर्क हुआ आज, क्या टीचर ने वर्क कराया, किस सब्जेक्ट में क्या करवाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ़ीस आप बच्चे की यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी फ़ीस बच्चे की ड्यू है, कितनी जमा करवानी, कितनी जमा हो चुकी है अब तक। जल्दी ही इसमें पेमेंट गेटवे भी ऐड होने वाला है, तो आप यहीं से बच्चे की फ़ीस भी सबमिट कर सकते हैं। किस तरीके की कोई पेनल्टी अगर बच्चे पे लगी है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ीस पेनल्टी हो या और भी किसी तरीके की कोई पेनल्टी अगर बच्चे पे लगी है, तो यहाँ से आप उसको भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ामिनेशन में जाके आप बच्चे के मार्क्स देख सकते हैं। कई बार बच्चे अपने मार्क्स घर पर नहीं दिखा पाते, पेरेंट्स को टाइम नहीं होता। मंथली टेस्ट मार्क्स, जो भी उनके मंथली टेस्ट हुए हैं, उसके मार्क्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फाइनल मार्क्स, जो उसके FA1, FA2, हाफ ईयरली, FA3, फाइनल एग्ज़ाम जो भी हुए हैं, उसके मार्क्स आप यहां से देख सकते हैं। सपोज़ मैंने इसके FA3 के मार्क्स खोले, इस बच्चे के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स यहां पर आए हैं आपके बच्चे के, आप टोटली मार्क्स यहां पर उस बच्चे के देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, हम आगे चलें, कंप्लेन का एक अच्छा ऑप्शन इसके अंदर है। आप बच्चे की टीचर के द्वारा कोई कंप्लेंट की गई है और वो आप तक टाइम तक नहीं टाइम से नहीं पहुंच पाती है, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, कंप्लेन बाय टीचर। बच्चे की अगर टीचर के द्वारा कोई कंप्लेंट की गई है, तो वो यहाँ आपको शो कर देगी। अगर आपको स्टाफ की किसी की कंप्लेंट करनी है, किसी टीचर से कोई इश्यू है, तो आप वो यहाँ से मुझे डायरेक्टली मेरे पास एप्लीकेशंस आपकी कंप्लेंट पहुँचा सकते हैं। स्टूडेंट की कोई कंप्लेंट करनी है आपके बच्चे की कि ये इसकी कंप्लेंट है, तो पर्टिकुलर टाइम पे आप स्कूल नहीं पहुंच पाते और वो कंप्लेंट नहीं दे पाते, तो आप बोथ लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश या अन्य किसी लैंग्वेज में यहाँ पर कंप्लेंट लिख के टीचर के पास भेज सकते हैं, जिससे टीचर और अन्य फैकल्टीज़ उस पर एक्शन ले सकें और बच्चे की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो, उसकी अन्य एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पर है गैलरी, आप गैलरी में जाके अपने बच्चे की स्कूल फ़ोटोज़, जो भी उसके इवेंट्स हुए हैं, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। फैकल्टी इन्फॉर्मेशन, आपके बच्चे को कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन कौन फैकल्टीज़ हमारे पास अवेलेबल है, उन सब की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है बस ट्रैकिंग, जो भी बच्चे गाड़ी से आते हैं, बस से आते हैं, उनके पेरेंट्स को अधिकतर फिक्र रहती है कि बच्चा अब तक आया नहीं है, टाइम ज़्यादा लगा है, कम लगा है, तो आप यहाँ से हर गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। हमारी हर गाड़ी की ट्रैकिंग इसमें अवेलेबल है कि कितनी देर में आपके स्टॉप पे वो गाड़ी पहुँचने वाली है, यहाँ से आप क्लिक करके उसको गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, उसके ड्राइवर के नेम सहित आप उसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट अवेलेबल है स्कूल कैलेंडर। स्कूल कैलेंडर में आपके बच्चे की जो भी हॉलीडेज़ वगैरह या इवेंट, जो भी स्कूल इवेंट होगा, उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी कि इस दिन स्कूल का ये इवेंट है, इस दिन के ये एग्ज़ाम है, ये चीज़ आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके बाद में इसी तरीके से बच्चे की लीव एप्लीकेशन का ऑप्शन भी यहाँ मिल जाता है। टाइम टेबल आप बच्चे का यहीं से देख सकते हैं, कौन कौन सी क्लासेस कब उसकी लग रही है और किस तरीके का उसका स्कूल शेड्यूल चल रहा है, उस टाइम की जानकारी, टाइम टेबल की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में सबसे बेस्ट फीचर जिसके लिए हमने इसको यूज़ किया है और यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को करवाएंगे, वो है स्मार्ट क्लासेस, ई लाइब्रेरी। आप घर पे बच्चा अगर किसी दिन क्लास मिस कर देता है, तो उस चीज़ को वो घर पे पढ़ाई कर सकता है। जो भी उसका टॉपिक टीचर का रह रहा है क्लियर, टीचर ने जो किया है वो एज इट इज़ यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी का ऑप्शन है, नीचे आपको लाइब्रेरी ओपन करनी है। जैसे ही आप लाइब्रेरी ओपन करेंगे, तो ई लाइब्रेरी और ई स्टाफ, ई लाइब्रेरी के अंदर बच्चे की आपकी कंप्लीट बुक्स, सारी बुक्स जो उसकी NCERT की बुक्स है, वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी हर क्लास की। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं फर्स्ट क्लास का मेरा कोई स्टूडेंट है, मैंने उसको ओपन किया, तो उसकी जो जो बुक्स हमारे बच्चे की बुक्स है, वो यहाँ पर ई बुक्स अवेलेबल है। अब आप यहाँ से जैसे हिंदी की बुक्स मैं उसकी ओपन करता हूँ, ये उसकी हिंदी की बुक्स, हिंदी की बुक्स का चैप्टर नंबर 7 मैं ओपन करता हूँ, तो ये चैप्टर नंबर 7, और इस तरीके से वो कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और आपका बच्चा उसको घर पे देख सकता है और घर पे उस चीज़ में उसकी पढ़ाई कर सकता है, जिससे उसकी बुक भी अगर इधर उधर कहीं मिस हो गई हो, तो उसकी भी उसको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो आपके फ़ोन में ही घर पर बैठ के उस चीज़ को आराम से सॉल्व आउट कर सकता है।
चलिए आगे बात करते हैं। इस तरीके से आप कोई सा भी चैप्टर किसी भी बुक का ओपन कर सकते हैं। नेक्स्टली हम बात करें ई स्टाफ, तो ई स्टाफ के अंदर जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसका वीडियो, उसकी कोई बुक सैंपल, कोई पर्टिकुलर पेज, कोई नोट्स जो भी है वो यहाँ पर टीचर के द्वारा अपलोड करने पर वो यहाँ अपलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके बच्चे को दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे की पढ़ाई में काफ़ी इजी वे रहेगा। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस था हमारी एप्लीकेशंस का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे डाउनलोड करिए और यूज़ करिए। थैंक यू। देव पब्लिक स्कूल जाटिया।